में चल रहा है। अब दोस्तों इसमें मैं देखता हूँ कि 4,500 बच्चों का अगर मैं 2 से गुणा करूँ, मान लीजिए ये एवरेज है, ये हमने जो है आइडियल कंडीशन में लिया है कि इसमें मोर्टलिटी नहीं हुई, हमने चाहे प्राइवेट फार्मिंग में भी यही जोड़ा, हम ओपन फार्मिंग में भी यही जोड़ रहे हैं। दोस्तों ओपन फार्म में अगर देखें तो प्राइवेट फार्म में कॉन्सेप्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्म में अगर देखें तो 4,500 मुर्गियों में 2 का गुणा करते हैं तो 9,000 केजी यहाँ पे भी हमारा वजन होता है। दोस्तों एवरेज यहाँ पे भी हमने जोड़ा क्योंकि मैंने जब से पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस शुरू किया है, इस जिस फार्म से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस फार्म सिर्फ से मैंने कभी भी जो है 8 रुपये से कम पैसा नहीं उठाया, ये मुझे 3rd साल रनिंग हो रहा है। तो दोस्तों 8 रुपये से कभी भी मैंने कम पैसा नहीं उठाया, मैंने मैक्सिमम 15 रुपये तक लिया है और कम से कम 8 रुपये तक लिया है। बाकी एक दो बार जो है कोरोना और उसके पहले एक बैच बिगड़ा जब शुरू में था, किंतु फिर भी दोस्तों मेरा एवरेज जो अगर मैं देखूं पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के तो मैंने एवरेज कंपनी से 10 रुपये पैसा कमाया है। तो मैं यहाँ पे भी एक जो है 10 रुपये अगर मैं मानूं तो 9,000 में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी जो मेरी कमाई हो रही है वो 90,000 हो रही है। तो दोस्तों जबकि यहाँ पे मेरा जो खर्चा है, चाहे मैं यहाँ पे खर्चा अगर देखें, इन दोनों का अगर खर्चा देखें, सेम अगर खर्चा देखें दोनों में समान मात्रा में, यहाँ पे मुझे डीजल, बिजली बिल, लेबर, बुरादा, चूना, मेडिसिन वगैरह सब लगा, यहाँ पे भी मुझे लीटर बुरादा और लेबर और बिजली बिल, डीजल, जितना भी खर्चा है इन दोनों में मुझे बराबर लगा, किंतु कमाई जो है दोनों में मुझे बराबर हो रही है। और इसके साथ में मैं एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पे जो है मेरा एक रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पे मेरा जो 9 लाख रुपये फंसा हुआ है। हम थोड़ा सा देखें, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 9 लाख रुपये बहुत बड़ा ये है, किंतु यहाँ पे दोस्तों जो मेरी जो लागत है वो जो लागत जो एक्चुअल जो है वो 30,000 या 20,000 25,000 जो भी है, यहाँ पे भी मेरी 30,000 20,000 25,000 लागत जो है, किंतु यह है एक बहुत बड़ा जो है फिगर है जो कि इसको जो है हम कम्पीट नहीं कर पाते, चाहे छोटे पोल्ट्री फार्मर हो चाहे बड़े पोल्ट्री फार्मर हो। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो या आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है या ऑलरेडी कर रहे हैं और आप जो है अगर आपके क्षेत्र में कोई अच्छी कंपनी, अगर इंटीग्रेशन की कंपनी अगर आप काम कर रही है तो आप पहले उसके साथ में जुड़ें, उसके बिज़नेस मॉडल को समझें और वहाँ पे देखें 1 साल फार्मिंग में, तो आपसे यही कहूँगा 1-2 बेच नहीं, आप पूरे 1 साल फार्मिंग करके देखें और 1 साल फार्मिंग करने के बाद में आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ मुझे जो है एवरेज इस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ में काम करने में मुझे एवरेज फ़ायदा मुझे ये मिला पूरे 1 साल में 6 बेचों का। और उसके बाद में अगर आपको लगता है आप सक्षम हैं कि आप प्राइवेट फार्मिंग कर सकते हैं तो आप जो है प्राइवेट फार्मिंग कीजिए और उसके बाद में जो है आप एनालाइज़ कीजिए 1 साल के बाद में, क्योंकि उसमें भी आप प्राइवेट फार्मिंग में भी अगर आप करें तो आप 1 बेच या 2 बेच नहीं करें, अब वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किंतु आप अगर आप सही अगर आपको अनुमान अगर निकालना है, सही अगर आपको रिजल्ट अगर निकालना है तो आपको जो है कम से कम 6 बेच आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6 बेच में जो है 12 महीने होते हैं, 12 महीने के त्यौहार अलग अलग होते हैं और पोल्ट्री इंडस्ट्री के जो है डिमांड और सप्लाई में परिवर्तन भी जो है 1 साल में आपको पता चल जाएगा कि कितना परिवर्तन हो रहा है, किस समय में हमें फार्मिंग करना चाहिए, किस समय में हमें नहीं करना चाहिए, तो इसका अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप फार्मिंग करेंगे आप जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं, चाहे आप प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हों चाहे आपको जो है इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रहे हो। किंतु एक नए किसान भाइयों के लिए और एक छोटे किसान भाइयों के लिए जो है जो मेरा एक ही सलाह है कि आप जो है कंपनी के साथ में जुड़ के काम कीजिए, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और मैंने कंटिन्यू जो है आपको बताया भी है कि मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, मुझे कंपनी के साथ में जुड़कर काम करने में कोई समस्या नहीं और मैं पैसा अच्छा कमा रहा हूँ। देखिए दोस्तों मुझे कोई भी कंपनी जो मार्केटिंग का कोई पैसा नहीं दे रही है, ये मैं आपको बता दूँ, किंतु मेरा जो अनुभव है और आप लोगों ने मेरा अनुभव पूछा है मेरे से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों का या फिर बहुत सारे जो फार्मर भाई हैं जो प्राइवेट फार्म बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, मेरे से जुड़े हुए लोग भी अच्छा पैसा कमाते हैं, किंतु मेरा जो अनुभव है वो यही रहा है कि मैं शायद जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ज़्यादा सफल हुआ हूँ और शायद इसी के कारण जो है मैं 25,000 की पोल्ट्री फार्मिंग पे पहुँचा हूँ। शायद अगर मैं खुद से प्राइवेट फार्मिंग के ऊपर अगर शायद रहता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ को टारगेट किया कि मुझे सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना है, बेचना और ख़रीदना ये मेरा काम नहीं है। अगर दोस्तों मैं बेचने ख़रीदने में अगर मैं उलझ जाता तो शायद मैं आज 3,000 या 5,000 की फार्मिंग पे ही अटका रहता, हालांकि मैं कमाता पैसा ज़्यादा। अगर मैं देखूं कि आज मैं जैसे यहाँ से 1 लाख रुपये कमा सकता हूँ, मैं प्राइवेट फार्मिंग करता मैं यहाँ से 1,20,000 1,30,000 कमा लेता, क्योंकि मुझे भी पता है ना, क्योंकि मुर्गियों को मैं 3-3 किलो 4-4 किलो हर बार करके नहीं बेच सकता, मुर्गियों से जब मुझे पैसा मिलना है उतना ही मिलेगा। तो दोस्तों मैंने एक बात नोट किया कि जब मुझे पता है कि एक मुर्गी से मुझे 20 रुपये ही एवरेज मिलना है पूरे साल का,
तो मैं यहाँ पे दिमाग क्यों लगाऊं कि मुझे एक मुर्गी से 30 रुपये कमाना है या 40 रुपये कमाना है या 50 रुपये कमाना है। मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे दिमाग लगाऊं कि मैं एक मुर्गी की जगह पे मैं 4 मुर्गियों का जो है प्रोडक्शन पैदा कर दूं, जहाँ पे मुझे मैं एक फार्म से जो है 9 टन से 10 टन का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो मैंने मेरा प्रोडक्शन बढ़ा लिया, जबकि मुझे पता है मैं प्राइवेट फार्मिंग भी करता, तो मेरा प्रोडक्शन जो है 10 टन ही होता है एक बेच का। अब जब मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्शन जो है 10 टन ही हो रहा है और मुझे फ़ायदा जो है उतना ही हो रहा है, तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे प्रोडक्शन को बढ़ाकर मुझे 50 टन किया जाए। 50 टन अगर मैं करूँगा तो मेरा जो फ़ायदा है वो 50 टन के हिसाब से मिलेगा। तो दोस्तों यही मेरा जो है काम करने का तरीका है, और आपने मेरी राय जानी तो मेरी राय यह है कि आप जो है पहले इंटीग्रेशन फार्मिंग कीजिए। अगर आपके क्षेत्र में अगर कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी के साथ में जुड़िए, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, किसी भी कंपनी के साथ में जुड़िए, इंटीग्रेशन फार्मिंग कीजिए, और उसके बाद में आपको लगे कि हाँ अब मैं सीख गया हूँ और मैं मार्केट को कम्पीट कर सकता हूँ, तो उस कंडीशन में आप जो है प्राइवेट फार्मिंग कर सकते हैं। आप प्राइवेट फार्मिंग भी कर सकते हैं, और बहुत सारे हमारे क्षेत्र में प्राइवेट फार्मिंग कर रही है, जबकि हमारा क्षेत्र जो इंटीग्रेशन कंपनियों का गढ़ बन चुका है। सुगना कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, आईबी कंपनी उससे भी अच्छा ग्रो कर रही है इसी पोल्ट्री फार्मिंग में, सिमरन कंपनी भी अच्छा ग्रो कर रही है, दूसरी कंपनी शालीमार हमारी क्षेत्र में आ चुकी है, और भी जो है प्राइवेट जो छोटे छोटे जो कंपनियाँ हैं वो काम कर रही है। तो दोस्तों मेरा जो आपसे पर्सनली सजेशन यही रहेगा कि आप जो है पहले इंटीग्रेशन फार्मिंग कीजिए, सीखिए और पोल्ट्री इंडस्ट्री में आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, आपके जो आपको जो करना चाहते हैं उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद में आप पोल्ट्री इंडस्ट्री में आगे बढ़िए। आप अच्छा कर सकते हैं, हर कोई अच्छा कर सकता है, बस जो है उनको जो है पहले क्लियर कर लेना चाहिए कि हम जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री को समझ लें, उसके बाद में उस पर काम करें, उस पर आगे बढ़ें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, धन्यवाद।